समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और मेरे साथ प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी वर्चुअली जुड़े हुए बच्चे, मैं सबसे पहले प्रदेश के उन सभी अपने युवा साथियों को जिन्हें आज यहाँ पर स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जा रही है उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 12,17,631 बच्चों को आज स्कॉलरशिप दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने लगभग 57,00,000 बच्चों को स्कॉलरशिप की किस्त भेजी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण एक बड़ी संख्या में हमारे स्कूल कॉलेजेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई ऐसे थे जो प्रारंभ नहीं हो पाए थे और लेट एडमिशन के नाते संख्या हमारे पास पूरी नहीं आ पाई थी, जिसके कारण हम लोगों को स्कॉलरशिप को अलग अलग किस्त में भेजना पड़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458,66,00,000 रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहाँ पर आकर के और लगभग 12 छात्रों से मैंने छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहाँ पे वर्चुअली संवाद बनाया है, और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है, ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आपके स्कूल भेज रहे हैं, और आपके स्कूल के गुरुजनों को, समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जो आपको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का रहा है, और इसके लिए सरकार अपनी ओर से अहर्निश प्रयास करती है, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है। हम स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ इसकी जानकारी छात्रों को हो, मीडिया के माध्यम से यह उन तमाम छात्रों तक पहुंचे जो अभी अपना आवेदन नहीं भर पाए हैं, और इसलिए इसको एक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो चल विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40,00,000 से अधिक बच्चों को जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40,00,000 से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा,
पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी, और जब हम लोग मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई ही नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी, और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था, अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि अभी तक 18 जनपदों में ये योजना चल रही है, इसको सभी 75 जनपदों में इस योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम तकनीक का उपयोग करें, और तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं फिजिकली कहीं वर्चुअली अगर हम इस योजना के साथ प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को भी जोड़ सकें, इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं के साथ जुड़ने, या फिर बैंकिंग की सेवाओं, रेलवे की सर्विस के लिए, या फिर अपनी स्वयं की उच्च अध्ययन की दृष्टि नीट या जेई के बारे में ही उसकी तैयारी के लिए उस प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता जो ने उसके बारे में बेहतर तरीके से बता सके, वह अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ की है। हमने कोरोना महामारी की चुनौतियों को देखा है, कोरोना महामारी प्रारंभ होते समय कोटा से और प्रयागराज से हजारों बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने और उस समय उनके माता पिता की व्यग्रता को भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। और उस समय फिर सरकार ने तय किया था कि जो बच्चे बाहर घर से दूर रह करके कोचिंग के लिए दूर जाते हैं, उन बच्चों के लिए हम उन्हीं के जनपद में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था उसी का परिणाम है, और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि वह प्रयास करें कि हर एक जनपद में हम अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसमें अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, दूसरा उस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखने की आवश्यकता है। जैसे अभ्युदय कोचिंग के 18 जनपदों में संचालित केंद्रों में जो हमारे प्रशिक्षु आईएएस आते हैं या प्रशिक्षु आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, उन लोगों को बुला करके उनके माध्यम से भी क्लासेस लेवाते हैं, जो टॉपर हैं या फील्ड में नए हमारे अधिकारी आते हैं उनको भी हम उनके माध्यम से भी कुछ लोगों को बच्चों को गाइड करवाने का कार्य करते हैं, और उससे काफ़ी बड़ी मदद मिलती है बच्चों को अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी के लिए और आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ी संख्या में मैं इस बार देख रहा था अभ्युदय कोचिंग से निकले हुए बच्चे
अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्होंने स्थान प्राप्त किया और ये परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था दसमोत्तर या उससे पूर्व के बच्चों के लिए भी ये व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछली सरकारें इसे स्कॉलरशिप पर रोक लगाती थी, इसमें अपना स्वयं का राजनीतिक लाभ और हानि देखती थी, लेकिन आज लाभ हानि को की प्रवाह किए बगैर केवल और केवल ये मान करके कि जो बच्चे प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रदेश के बच्चे हैं, इनको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए और उस अच्छे वातावरण के माध्यम से उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की राशि समयबद्ध ढंग से उन तक पहुंचनी चाहिए। मैं विभाग से, समाज कल्याण विभाग से और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से इस बारे में कहूंगा कि अभी प्रवेश की प्रक्रियाएं चल रही हैं। बहुत सारी जगह विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग संस्थानों में अभी प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और बड़े पैमाने पर मेडिकल की अभी प्रवेश होंगे, नर्सिंग के, पैरामेडिकल के प्रवेश होंगे, विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रवेश की प्रक्रिया को 30 दिसंबर तक पूरा करते हुए प्रवेश के साथ ही इन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भी उनके अकाउंट में चली जाए, जिससे उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति में या अपने लिए किसी भी प्रकार की पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई सामग्री खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। राज्य सरकार इसी दिसंबर महीने में प्रदेश के अपने युवा छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालयों में हो, इंजीनियरिंग संस्थानों में हो, पॉलिटेक्निक में हो, ITI, नर्सिंग, पैरामेडिकल या अन्य जो भी पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट को भी वितरण करने की एक बड़ी कार्य योजना पर कार्य कर रही है। ये प्रवेश समय पर हो, समय पर उनके नाम अपलोड हो और फिर उन्हें एक निश्चित योजना के तहत हम दिसंबर से लेकर के मार्च तक उन सभी छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे सकें, इस पर हमें कार्य करना चाहिए और इसे हमें निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। जिन छात्रों के जो बच्चे बचे हुए हैं, हर हाल में हमारा प्रयास हो कि इन्हें हम 26 जनवरी तक स्कॉलरशिप हर हाल में उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि वह एक बच्चे के लिए, अभी मेरा जो इंटरेक्शन हो रहा था बच्चों से, तो उससे बहुत स्पष्ट था कि स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति उन बच्चों के लिए बहुत सहायक होती है उनके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने में। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर 12,17,631 बच्चों को ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 6,23,246 पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए बच्चे हैं, 3,54,088 ये सामान्य वर्ग से हैं, 1,66,291 अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए 3,54,088 सामान्य वर्ग के, 1,66,291 और अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए 2,281 और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए 71,725 छात्र छात्राएं शामिल हैं। यानी अब तक हम लोग लगभग 68 लाख से अधिक बच्चों के अकाउंट में इस धनराशि को उपलब्ध करवाने में, हमें 68 हज़ार से अधिक बच्चों के अकाउंट में पैसा उपलब्ध करवाने में मदद मिली है। जो बच्चे अभी बचे हैं, जिनके प्रवेश नहीं हो पाए हैं, इस पर भी सभी समाज कल्याण अधिकारी और
पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए जिले के अधिकारी हरेक स्तर पर व्यापक सर्वे करते हुए उन सभी बच्चों के नाम अपलोड कर दिए जाने चाहिए, जिससे समय पर स्कॉलरशिप की राशि उनके अकाउंट में दी जा सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी बच्चों को जिन्हें स्कॉलरशिप की राशि जा रही है, मैं उन्हें बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वह शासन की मंशा के अनुरूप, अपने माँ बाप और अभिभावक की भावनाओं के अनुरूप अच्छी पढ़ाई करते हुए अच्छे अंकों में अपने पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त करते हुए वे अपना योगदान समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दे पाएंगे। आप सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।